केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी और उनके घटक दल देश में जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। एनडीए की सरकार देश में 2014 से ही है और 2023 में 9 साल पूरे हो गए। अब अगले साल फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। बीजेपी उसी की तैयारी में अपनी 9 सालों की उपलब्धि जनता को बता रही है। आज उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के जालौन में मंत्रियों का जमावड़ा लगा। सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति और गुजरात कच्छ से बीजेपी सांसद विनोद चावड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से बात की। उरई के टाउन हॉल स्थित जिला सहकारी बैंक में आयोजित किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कुछ आगामी योजना के बारे में भी बात की, जैसे बुंदेलखंड में 135 करोड़ की लागत से बनेगा टेक्निकल सेंटर, युवाओं को मिलेगा रोजगार। उन्होंने राहुल गांधी की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो उनका पैर छूकर सम्मान किया जाता है। उन्होंने खिलाड़ियों के धरने को लेकर कहा कि बृजभूषण पर लगाए गए सारे आरोप निराधार साबित होंगे, पुलिस जांच कर रही है, सच जल्दी ही सामने आ जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 9 साल काम किए हैं 2014 से लेकर 2023 तक, उन्होंने जो आज तक काम किए उन्हें कामों को लेकर उसी को लेकर हम जनता के बीच आए हैं। और विशेष रूप से हमारे देश के जो भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, प्रदेश सरकार के हमारे संगठन के लोग हैं, मंत्री हैं, सभी लोग देश में हर लोकसभा में जा रहे हैं और अपनी पेश वार्ता करके उन सारी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके साथ साथ हम लोग प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया है उसका भी हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे जो एससी मोर्चे के मोर्चे लगे हुए हैं उनका भी एक संयुक्त सम्मेलन कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग सारे सम्मेलन करके वो जो अभी तक जो काम किए गए हैं उन कामों का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका गए हुए और वहाँ पर वो बयानबाजी कर रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदुस्तान में, और इसके लेकर कई जो बयानबाजी लेकर कैसे। मैं विशेष रूप से आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 2014 के बाद आपने देखा होगा उसके पहले देश की क्या स्थिति थी, आज देश की स्थिति क्या है। देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री किस तरीके से झुककर उनके पैर छूते हैं, तो वो सम्मान किसका है, वो आप सबका है, देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। अब वो बात करते हैं तो वो किस स्तर से बात करते हैं उनकी तो बात हम लोग नहीं कर सकते। नहीं, विशेष रूप से हम लोग बुंदेलखंड के नाम पर हम लोग एक बुंदेलखंड स्टेडियम जो बना हुआ है, जैसे ध्यानचंद स्टेडियम से हम लोग जानते हैं, उसमें हम लोगों ने कई गेम कराए हैं, कई गेमों में हम लोग भी गए हैं, उद्घाटन भी किया है, वॉलीबॉल का उद्घाटन भी किया है, सारी चीज़ें, और वहाँ सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ बढ़ाया जाता है और बच्चे ट्रेनिंग ले भी रहे हैं, वहाँ सीख भी रहे हैं और निश्चित है आने वाले समय में बच्चे यहाँ से निकलेंगे। मंत्री, लगातार खिलाड़ी जो है वो रसम कर रहे हैं बृजभूषण सिंह के खिलाफ, लगातार मेडल बहाने की बात हो रही है, खाप पंचायत लगना शुरू हो गई है, इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया गया, कोई बयानबाजी नहीं आई बृजभूषण के खिलाफ। नहीं नहीं, वो खिलाड़ी हमारे हैं और अगर वो राजनीति से ऊपर उठकर अपनी बात रखें तो निश्चित हम लोग उनके साथ में हैं और पैसे भी उनके साथ में रहे थे। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार उनका आरोप है, वो निकल के आ गया है अभी यार, उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें वो समझिए बालिग हैं, वो कह रहे हैं हम नाबालिग हैं, सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट क्लास होना चाहिए बस। तो पुलिस को जांच करने दीजिए, जांच कर रही पुलिस, जांच करने के बाद वो निश्चित जिसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी, एक टेक्निकल सेंटर बनाने की बात कही है बुंदेलखंड में, तो क्या है ये टेक्निकल सेंटर, कितने की लागत से बनाया जा रहा है? विशेष रूप से जो टेक्निकल सेंटर बनाया जा रहा है वो हमारे एमएसएमई मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय के द्वारा, और उसमें एक टेक्निकल सेंटर जो टेक्निकल सेंटर बन रहा है वो हमारा जो डिफेंस कॉरिडोर बना है, डिफेंस कॉरिडोर में ही हम लोगों को जगह 20 एकड़ जमीन जगह चाहिए थी, 20 एकड़ जमीन नहीं मिली तो वहाँ जगह मिल गई, वहाँ चूंकि ये ढेर सारी कंपनियाँ आएंगी काम करेंगी तो वहाँ हमारा टेक्निकल सेंटर एक बनेगा, तो वहाँ करीब 135 करोड़
की लागत से वो टेक्निकल सेंटर बनने जा रहा है और उसमें नई नई मशीनें आएंगी, नई नई सारी चीजें आएंगी, ऐसी सारी चीजें, और बच्चों को नए नए मिलिट्री के लिए कल प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीजें करती है, ये सारी ट्रेनिंग उसमें दी जाएगी, चाहे फिटर की ट्रेनिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग हो, अन्य सारी भागों में सब दी जाएगी, जिससे लोगों में वो करेंगे आपसे। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।